focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. नया साल सबको मुबारक हो और इस नए साल के साथ हम सब संकल्प लेंगे कि अब जो हम काम करेंगे उसके तरीके बदलेंगे और इस मार्केट के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। अरे भाई एक सेकंड हट जाओ, अरे हट जाओ एक सेकंड, अभी छोड़ दो, हट जाओ हट हो जाओ हट हो जाओ भाई, आगे कुछ अभी कर्नल चंद्र आपके बीच में कुछ रखना चाहते हैं बातें, मैं उनको दे रहा हूँ। देखा है कि हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, हम चीजों से हटके जो काम जिसका है उसे करें, सहायक बने, हम अपने सजेशंस दें और उन कामों को भी कराएं, लेकिन साथ साथ हमें मार्केट में जैसे आज का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमें इस मार्केट का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारना है और उसके लिए हमने एक प्रण लिया था 5000 गमले इस मार्केट में लगाने का, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, उसी जो हमारा एक संकल्प है उसमें आगे बढ़ते हुए अब हम एक वर्टिकल गार्डन की तरफ बढ़ेंगे और जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था है उन्हीं को यूज करते हुए हम पूरी मार्केट में वर्टिकल गार्डन्स आप लोगों के सहयोग से क्रिएट करेंगे, जिससे कि इस मार्केट का जो स्वरूप है वो बदल जाए, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुधर जाए। कम से कम हम लोग एक ऐसा सेक्टर बने जिसमें कि प्रशासन भी देखे कि हाँ यहाँ की एयर क्वालिटी ठीक है, हम लोग सभी सक्षम है इस काम को कर सकते हैं, तो हमें करना है, हमें करना ही है, तो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इस सेक्टर का सुधारना, जिससे कि क्योंकि हम लोग भी 24 घंटे यही होते हैं, कस्टमर भी हमारा ही है, कि जो भी यहाँ पर हो रहा है उसको अगर हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समय हम ही दे रहे हैं, तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने चारों तरफ की हवा को ठीक रखना। सुशील जी, जो समस्या आपकी 2017 में रह गई थी, जो अब जो आनल 2018, क्या लगता है कि आपको समस्या पूरी हो पाएंगी? देखिए, समस्या एक जिंदगी का नियम है और नोएडा अथॉरिटी के जो रवैया है काम करने का उसको देखते हुए समस्या में ये नहीं समझता कि इतनी आसानी से दूर होंगी। हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके साथ मिलके हम लोग उन काम को थोड़ा ध्यान रखें और उन्हें कोई रास्ता दें जिससे कि उन कामों को हम ठीक से उन समस्याओं को कम करा पाए। मैं ये नहीं मानता कि वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हाँ हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो समस्याएं कम जरूर होंगी। 18 में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, पार्किंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मल्टी लेवल पार्किंग है जैसा हमें बताया जा रहा है वो शायद 24 जनवरी को या 25 जनवरी को स्टार्ट होने वाली है और मैं ये मानता हूँ कि जो भी समस्या आज की डेट में पार्किंग को लेकर है वो अगर 100% नहीं तो 50% तो दूर हो ही जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अथॉरिटी ने हमारी बात उस टाइम पर मानी और यहाँ पर वन वे प्लान लागू कर दिया और एक साइड में रोड के पार्किंग अलाउ कर दी तो इलीगल पार्किंग की समस्या अपने आप। जिस तरह बात करें 18 मार्केट की, एक मुहिम चलाई जा रही है 5000 पेड़ लगाने की, तो वेटिंग लगाने की, तो किस तरह का ये प्लान रहेगा और क्या इसमें? देखिए, 5000 जो गमले लगाने का प्लान हमने लिया है वो लास्ट ईयर का हमारा प्लान है और उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे। उसमें काफ़ी गमले हम लगा भी चुके हैं, उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर एयर इंडेक्स की जो क्वालिटी है वो आज की डेट में रिस्की लेवल पे पहुंच चुकी है जिसमें हम लोगों को सांस लेने में भी समस्या है, तो उस क्वालिटी को हम जो आज का स्टैंडर्ड है
उसको हम जीवन हमारा ठीक से चले और उस हवा को हम साफ़ कर पाएँ, इसलिए हमने ऐसा प्रण लिया है। 5000 एक कहने का विषय है, लेकिन हम शायद उससे बहुत ज़्यादा लगाएंगे और ये संख्या लगातार बढ़ेगी। और दूसरी बात, जो उसके साथ हम वर्टिकल गार्डन की बात कर रहे हैं, वो वर्टिकल गार्डन भी हम क्रिएट करेंगे और इस मार्केट को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करेंगे जिससे कि ये ग्रीन दिखाई दे। बात कीजिए कचरे की, जिस तरह सेक्टर 18 की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और काफ़ी समस्या रहती है कचरे को लेकर कि साफ सफाई भी ध्यान नहीं देता, इसमें क्या पहल रहेगी आपकी? क्या देखिए, जो नोएडा का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने जगह जगह जो डस्टबिन रखे हुए हैं, सबसे पहली बात यह है कि हम उन डस्टबिन की लोकेशन को ही ठीक करेंगे। वो लोकेशन गलत हैं, पब्लिक जो हमारी आंखों के सामने रखे हुए हैं, वो सड़क पर रखे हुए हैं, उसकी जगह उन्हें एक ऐसी जगह क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर कि वो पब्लिक के सामने ना हो, पहले। दूसरी बात ये है कि एक आजकल बायो और जो दूसरा अपना कूड़ा है सॉलिड वाला, उनका एक आजकल अथॉरिटी कुछ प्रयास कर रही है जिसमें हम लोग भी कई सारी NGO से बात कर रहे हैं और हो सकता है जो ये बायो वाला प्रोजेक्ट है जिसमें कि हाथ की हाथ वो जो कचरा है अलग करके और उसको उसी जगह पर कोई जगह जैसे एक ब्लॉक वाइज हमें मिल जाए तो हम वहीं पर उसका कंपैक्ट में बदल के कंपोस्ट, उसको खाद कंपोस्ट खाद में बदल दें और उसको हम किसी को दें जिससे कि वो आगे काम आए। मेनली कूड़ा जो है वो ईटरीज का है जो कंपोस्ट हो सकता है, तो वही 80% के करीबन है, तो वो अगर वहीं के वहीं कंपोस्ट हो जाएगा तो बाकी कूड़ा तो बहुत कम है। जिस तरह समस्या बढ़ती है, क्राइम को लेकर काफ़ी समस्या रहती है यहाँ पे भी, और एक मुहिम चली थी CCTV कैमरे लगाने की, तो कितना सक्सेस हुआ है यहाँ? देखिए, CCTV कैमरा 2 साल पहले लगा था, मार्केट के सहयोग से ही लगा था और उस टाइम भी हमने बोला था, जो उस टाइम SP थे जिनके अंडर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको नोएडा अथॉरिटी ही करे, इसे हम लोग ना करें। तो उस टाइम पर हमने विचार रखे थे कि अगर ये कल को खराब हुआ तो इसे कौन मेंटेन करेगा। तो लास्ट ईयर जो आज से 4 महीने पहले बारिश के टाइम में इनका कंट्रोल रूम टूट गया था और ये सारे कैमरे काम करना बंद कर गए थे। आज की डेट में कुछ कैमरे काम कर रहे हैं, कुछ को हम दोबारा से रिपेयर करा के इंस्टॉल कर दोबारा से दे रहे हैं उन्हें करा के, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये रहेगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है अथॉरिटी के पास कि जो अथॉरिटी अपने कैमरे ठीक से एक व्यवस्थित तरीके से एक कंसल्टेंट को लगा के और परमानेंट तरीके से एक कंट्रोल रूम को बना के क्यों नहीं कर सकते, वो करे।